अस्सलाम वालेकुम खातीन हजरात, मैं हूँ एहसन अमीन राजा और आप देख रहे हैं तिश्मीर न्यूज़। खातीन हजरात, आपको बताएं कि आज 25 मई है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस हवाले से ऐलान किया है कि आज आज़ादी मार्च वो बनाने जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से जुलूस और जलसों की शक्ल में लोग यहाँ इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। अभी हम श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हैं और हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये आज़ादी मार्च क्या है और किस से ये आज़ादी लेना चाहते हैं। जी मैडम, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आप सब सोशल मीडिया टीम को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और खैरज तहसिन पेश करती हूँ कि आप लोगों ने इस आज़ादी मार्च रैली में हमारे साथ साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की कोशिश और हमारे जो ये नौजवान जो सुबह से यहाँ पर ये जो पुलिस के मुजाहरे ये शेलिंग हो रहे हैं 3 घंटे से मुसलसल, मैं ख़ुद इस कश्मीर हाईवे पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर सुबह से 3 घंटे से जो शेलिंग हो रही है इसका मुकाबला कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा ले कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के ख़वातीन खान साहब के इस जिहाद में उसके साथ है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसलत की है इसके ख़िलाफ़ निकले हुए, इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी। इस आज़ादी का मकसद ये है कि हमारी हुकूमत को जो कामयाबी तरह की तरह गमज़ान थे और मईशत जो हमें बुरी हालत में मिली थी और इमरान ख़ान ने किस तरह कोविड की वजह से 2 साल जो हमारे ऊपर बुरा हाल आया था इसके बावजूद भी इसमें कि मईशत को संभाला और ये हुकूमत एक कामयाबी की तरह गमज़ान था, इन चोरों लुटेरों डाकुओं से रहा नहीं गया, उन्होंने किस तरीके से हमारे ऊपर मुसलत हुए हैं और ख़ास कर मैं राना सनाउल्लाह जो कि 18 लोगों के कातिल और डाकू जो अपने इलाके में कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वहाँ पर ये डकैती कर सकता है, कत्ल कर सकता है, इसके अलावा इसकी कोई कर्दगी नहीं। यहाँ आके हमारे निहत्ते आवाम जो अभी ये टीवी पे सुबह से मीडिया में ये दिखा रहे हैं कि इनके पास मुसल्ला है, ये आवाम है, लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे जो आवाम है हमारे पास अल्लाह की मदद और आवाम की ताकत हमारे साथ है। ये आवाम डरने वाले नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम ख़त्म करके यहाँ से चले जाएं। मैडम, इस हवाले से बताइएगा कि ये जो आज़ादी मार्च कर रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि एक आम आदमी के लिए इससे क्या आसानी पैदा होगी? देखिए जी, इसमें आसानी ये पैदा होगी, आप लोगों को पता है सबसे पहले खान साहब कहता है कि आप लोग एक खुददार कौम बने। जब एक इंसान खुददार, ये हमारी आवाम जो है महंगाई से इतने तंग नहीं है, ये आवाम जो है ग़ुलामी से तंग है, तो जब इंसान खुददार होगा तो उसको हर चीज़ में आसानी होगी। नहीं तो मैडम, अभी देखें महंगाई का दौर दौरा है, माशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हैं। आप एज़ अ पाकिस्तानी ये बताएं कि आप समझती हैं कि ये लॉन्ग मार्च, ये आज़ादी मार्च, इनसे हमारे माशी हालात ठीक हो सकेंगे? खान साहब की जब हुकूमत आएगी इंशाल्लाह माशी हालत भी मजबूत होगी, लोगों में खुद एतमादी भी बढ़ेगी। जब तक ये लोग हमारे ऊपर मुसलत है हमारी हालत भी श्रीलंका की तरह होने जा रहा है। लेकिन मैडम, आप कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं? देखिए जी, हमारा लीडर तो अभी पहुंचा नहीं है, इंशाल्लाह हम उसके इंतज़ार में हैं। या आपको पता है वो स्पोर्ट्समैन है, उसका स्टेमिना का भी आप लोगों को पता है। ये लोग चाहते हैं कि आज ये लोग यहाँ से जल से करके जाएंगे, लेकिन आपको आप बताते चलूँ वो स्पोर्ट्समैन है, हम उसके खिलाड़ी हैं, हम थकने वाले नहीं है, चाहे महीने भी लगे चाहे साल भी लगे। आप लोगों को हमारा पहले वाला धरना भी याद है, इंशाल्लाह जब तक ये डाकुओं से हम लोग आज़ादी हासिल नहीं करते उस वक्त तक हम यहाँ रहेंगे। मैडम, आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आप लोगों का एक बार फिर मैं खैरज तहसीन सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया और खैरज तहसीन पेश करती हूँ पीटीआई के तमाम वर्कर की तरफ से, जिस तरह आप लोगों ने इस जिहाद में हमारे साथ दे रहे हैं, तारीख में आपको लोगों का नाम भी एक सुनहरे हरूफ से लिखा।